तो फ्रेंड आज मैं घूमने आया हूँ अयोध्या में गुप्तार घाट। तो ये देखिए बहुत बढ़िया बना हुआ है, वहाँ से लेके ये नदी है, इसमें छोटे छोटे टापू हैं रेत के और ये पूरा वहाँ तक है। और इधर एक पार्क भी है घूमने के लिए, अभी हम वहाँ भी जाएंगे बाद में। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। अब मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ पानी के पास, यहाँ काफ़ी नाव भी बहुत खड़ी हैं। अगर कोई नाव में जाना चाहता है तो नाव में भी अंदर तक जा सकता है। फिलहाल अभी हम लोग नाव में नहीं जा रहे हैं और हम यहीं पानी में बैठ के थोड़ा इंजॉय करते हैं। सीबी तो हम पानी में बैठ चुके हैं और मैंने अपने पैर पानी में रख लिए हैं। पानी काफ़ी ठंडा है लेकिन रेतीला पानी है, ज़्यादा साफ नहीं है, तो नहाने का तो कोई प्लान नहीं है हमारा। तो सीबी अब इसमें नहाने जा रही है। सीबी नहाओ, नहाओगी पानी में? काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर बहुत दूर दूर तक। यहाँ रेत के बीच में छोटे छोटे टापू हैं और ज़्यादा गहरी नहीं है, यहाँ पर अंदर तक काफ़ी उथला पानी है। तो सीबी यहाँ पानी में खेल रही है। सीबी खेलो पानी में। ओ सीबी हैं हवा। हाँ सीबी को पानी में हवा मिला है। तो ये गुप्तार घाट जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो ऐसा माना जाता है, मुझे भी यहाँ के लोगों से पता लगा है कि ये जो घाट है यहाँ पर श्री राम ने बैकुंठ धाम के लिए जो है डुबकी लगाई थी, यानी यहाँ से बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया था श्री राम ने। और ये भी कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पर डुबकी लगाते हैं वे कभी यमपुरी के दर्शन नहीं करते, तो इस हिसाब से कई हिंदू लोग यहाँ पर जो है डुबकी वगैरह लगाते हैं। और काफ़ी कुछ देखने को यहाँ पर मिला है, बाकी तो हम पार्क में जा रहे हैं। तो अब हम पार्क में घूमने के लिए जा रहे हैं। सीबी तो यहाँ पर खाने की भी काफ़ी ठीक ठाक व्यवस्था है, काफ़ी लोग नाश्ता कर रहे हैं और अब मैं और सीबी हम लोग जा रहे हैं पार्क में। तो अभी हम पार्क के और पास ही घूम रहे हैं, हमें जो है पार्क का गेट नहीं मिल रहा है। जो पार्क का गेट है पुराने मंदिर साइड से ही है, ये हमारे साइड इधर पार्क है। आ जाओ। तो अब हम पार्क के गेट से अंदर जा रहे हैं और ये है इधर शायद पुराना मंदिर, गुप्तार घाट का जो पुराना मंदिर है, पता नहीं किससे संबंधित है। तो यहाँ पर पार्क की व्यवस्था इन्होंने काफ़ी अच्छी कर रखी है, यानी हरियाली भी काफ़ी है यहाँ पर घूमने के लिए और बैठने के लिए काफ़ी जगह है। सीधी इधर से डर के आई है, काफ़ी हरियाली है इधर, देखो काफ़ी अच्छी बैठने की जगह है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ अयोध्या में गुप्तार घाट पर घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पार्क में जरूर आए एक बार। उधर चलना वहाँ पर बैठा लेना, कुर्सी भी पड़ी। आओ सीधी आ जाओ, सीधी आओ। और बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ झूले वूले हैं काफ़ी। और ये बच्चे का मोबाइल जो है रूम पर रह गया है, तो बच्चा बैठा देख रहा है क्या करें क्या ना करें। ये देखिए ऐसे सभी जरा। तो अब हम पार्क में झूले के साइड जा रहे हैं जहाँ पर बच्चे झूला झूल रहे हैं, और छोटा सा पार्क है बच्चों के लिए, मिनी पार्क, झूले वगैरह और जो साइकिल वगैरह होती हैं साइकिलिंग टाइप के, और जो काफ़ी कुछ हैं। हाँ झूला तो बहुत सारी, छोटा सा पार्क है लेकिन बच्चों के लिए ठीक ठाक है। घोड़ा देखिए गर्म तो ना, ओ
गर्मी ज्यादा होने की वजह से बहुत गर्म है ये। बड़ा गर्म हो रहा है, इस वाले बैठो, इस पर छोड़ा है, बहुत गर्म हो रहा है। आ से भी गर्म बैठेगी। बोलो झूला लकड़ी की चाटी। तो झूला झूल रही है, सिबी को झूला झूलना बहुत पसंद है। तो ये थोड़ा सा एक मिनी जिम है इस पार्क में, तो सुबह के टाइम में काफी अच्छा आया घूमने के लिए देखा जाए तो, गुप्तार घाट के पास में जो पार्क है। तो अब हम ये चरण पादुका मंदिर घूमने के बाद वापस घाट की तरफ जा रहे हैं और फिर वहाँ से निकलेंगे रूम पे। तो इस वीडियो में बस, तो इस ब्लॉग में बस इतना ही।